चलो क्वेश्चन दो चार डिस्कस करते हैं तो मजा आया आप लोगों को। व्हाइट बोर्ड में करना चाहोगे कि ऐसे ही, चाहे जहाँ पे करवा लें? आज व्हाइट बोर्ड में करवाते हैं ना, ना तो व्हाइट बोर्ड में करवाने से क्लियर भी हो जाएगा। जो व्हाइट बोर्ड में कर ले गया तो फिर हमेशा कर ले गया, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीबीएसई में पूछा भी गया है आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स। लो एक मार कर लेकर आ जाओ, कौन आएगा पहले, तुम आओगे? आजा तुम आजा, ठीक है। 2x2 के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और आपको दिया गया है aij इज इक्वल टू दिया गया है आपको, जरा दो मार्कर ले लो जो चले उससे लिख लेना, ठीक है। aij आपको इक्वल टू दिया गया है i माइनस 2j, ठीक है, अपॉन मोड नहीं है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दिया गया है बाई टू, ये मोड नहीं है बेटा। हाँ तो वीडियो तो बनाया था उसको देख लेते अब तक, चलो करो AIJ निकालो। स्कूल में सीखा तो होगा मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स कोई बात नहीं, तुम पढ़ नहीं, नहीं वो दिखाई दे रहा उसमें, तुम बनाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य बेटे टैलेंट का फोकस करना, तुम्हें फेमस कर दें हम टैलेंट पे फोकस करो खाली, अच्छे से पढ़ो, सही है, देखो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें खुद ऑटोमेटिक। ये आई पोजीशन है, जे पोजीशन वही हाँ तो यही तो है और क्या। इसको एक नोटेशन दे दो, कैपिटल ही दे दो, कैपिटल एच ना, कैपिटल मैट्रिक्स नोटेशन जो होते हैं कैपिटल में होते हैं, ठीक है। हो गया, देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो। अब तुम लोग बताओ कि सही है गलत, एक बार ट्राई करके देखो सही है गलत। कौन सा है, फाइव का सेकेंड थर्ड, फाइव का थर्ड, अच्छा बेटा क्वेश्चन देखो क्या था, जो सुधार हो जाएगी पूरी टीम को, अपनी पूरी सुधार। ये ध्यान से देखना क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग करो जाके तुमने क्या कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा है हाई लुट गए बहुत कुछ हो गया बेटा, क्लोजर देन हो आर डी का ये क्या, एनसीईआरटी भी है, पूछा भी गया है। हाँ बस इंग्लिश हिंदी का वर्जन है और कोई दिक्कत नहीं, सेम। इसको उठा के इसमें रख दो, ये वाली पूरी उठा के इसमें रख दो, रख दिया, ठीक है। जब क्वेश्चन तुम्हें पूरे मिल जाएंगे बेटा, क्वेश्चन अंतर नहीं है, क्वेश्चन सब वही है। अब जैसे मान लो, हाँ जैसे समझ पाए क्या उसमें, अब जैसे मान लो क्या है, अगर ये हम पढ़ाएंगे चाहे उनको पढ़ाएं चाहे तुम्हें पढ़ाएं, सेम ही बोलेंगे, तुम्हारे मैट्रिक्स बोलेंगे उनके, आप ही बोलेंगे, बस इतना अंतर है।
और कोई खास अंतर नहीं है। क्वेश्चन बहुत एडवांस क्वेश्चन है, तुम्हारे आरडी हो जैसे तुम्हारा बालाजी, दोनों सेम मान लो। हाँ अरे मान लो कि सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब ये है कि तुम क्वेश्चन कैसे उठाते हो वहाँ पे वो मैटर करता है, बाकी अगर पढ़ते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये है जैसे तुम्हारे यहाँ आरडीएचएस पढ़ लिया जाए उस लगभग सारे राइटर की बुकें उसमें आ जाती हैं, उसी टाइप से उसमें बालाजी होता है हिंदी मीडियम में, ठीक है। वैसे देखा जाए कहीं ना कहीं तुम्हारा फायदा है, जैसे मान लो ये लोग हिंदी मीडियम से पढ़ देते हैं तो इनका फायदा है, कोई दिक्कत इनको घाटा थोड़ी है। भैया इधर मान लो फीस दे ही रहे हैं, उधर आराम से पढ़ी ले, रिवीजन हो गया। और हिंदी इंग्लिश में बस थोड़ा ही अंतर होना, क्या बोला, नाम का अंतर होता है, बाकी पढ़ाने वाला मैं खुद जब मैं बता रहा हूँ कि अंतर नहीं है कुछ खास, तो अंतर नहीं है। और फीस की बात की जाए तो वहाँ फीस कितनी सस्ती होती है, अलग हम बोलता है दोगुना से भी कम होती है, क्यों हीरो उसका दोगुना करेंगे तो तुम आओगे। नहीं अगर तीनों सब्जेक्ट चलाते हैं हम तो हाँ कंसेशन होके आ जाता 1500 या फिर 1400-1300 इससे हम रख सकते थे। ये था अगर टीचर जो हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं वो कितने में राजी होते उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते। भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है नहीं कि हम गोल मेल खिचड़ी बनाएंगे, भैया हमें एडवांस बच्चों को देना है, ऐसा नहीं। पीसीएम हमने ऐसा नहीं पढ़ाया पीसीएम हमें, क्योंकि पीसीएम से भैया हमारा हुआ है बीएससी, तो पीसीएम लोग को नॉलेज है। लेकिन नहीं कहता ना कि कोई ना कोई सब्जेक्ट में कम नॉलेज होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज होता है। जैसे फिजिक्स मैथ में हम लोग एडवांस थे तो केमिस्ट्री हम लोग को थोड़ा कम नॉलेज होता था, जाहिर सी बात नॉलेज होता था लेकिन क्या परफॉर्म कम होता था। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर सोचा कि टीचर रख लिया करो, भाई घर में पढ़ने का टाइम है नहीं, हम लोग डायरेक्टली आते हैं परफॉर्म करना स्टार्ट, घर में पढ़ करके थोड़ी पढ़ाते हैं भाई, पढ़ के पढ़ाएं तो बहुत क्लासेस है, किस क्लास को पढ़ के पढ़ाएंगे, समझ नहीं आ रही है। तो ये बेनिफिट है, तो आई थिंक इनका बेनिफिट ही है जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं इनका बेनिफिट है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाओ तुम, आ जाओ बेटा। हाँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, मैट्रिक्स कंसल्ट करना है 3/4 की, ठीक है 3/4 की कंसल्ट करना है और AIJ इक्वल टू तुम्हारा दिया गया है I+J। इसको डायरेक्टली कर डालो, उसको ऐड करते जाओ डायरेक्टली 2 2 4 2 3 5 4 6 बस आ जाओ तुम, आ जाओ बेटा। हाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी मैंने उठा लिया। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा रफ कर दिया जाए ना, इसको रफ करो, पूरा रफ कर डालो, ठीक है। तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैं उठा लूंगा कि एक्स ले लो, ये सही रहेगा, एक्स 3x-y 2x, हाँ इजी 2x+z और 3y-ओमेगा स्क्वायर को दे रहा है 3 2 4 7 देखेंगे, 3 2 4 7 ठीक है, ये 3 कर लो, इसको 3 कर लो, 3 बस अब कर लो, पीछे कर लो दिक्कत हो रही हो। आई थिंक आरडी के तुम लोग डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोलते हो, आरडी क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं यार, फर्जी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोलते हो।
क्या फर्स्ट है क्या क्या वाले? ये दोनों तो इससे पढ़ा लो, एनसीईआरटी जिंदाबाद कितना तो पढ़ी। अब एनसीईआरटी बच्ची बुक लगती है, कारण ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है। अगर मैं इससे पढ़ाऊँ तो लगता है 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएगी ये। मतलब नहीं ना भाई, बच्चों को प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस कम तो फिर मतलब नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि हम आगे आगे पढ़ाते जाएंगे पीछे पीछे साफ होता जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है ना पढ़ाने का। हम पढ़ाएं बच्चों को, फिर पढ़ा दें तो फिर एकदम जड़ से आ जाए, ये चीजें हैं। टेस्ट बस कल ही है आपका, 14 को कल टेस्ट है, 15 को छुट्टी रहेगी। हाँ कल सही है, क्यों अरे इसमें प्रैक्टिस बचा क्या? 16 ग्रह कोर्स में क्या है तो 16 को फिर अगर मैं कल नहीं तो फिर कल एक नया चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसमें क्या पता है और क्या। हो गया क्या आंसर आया तुम्हारे, जरा बोलो। रुक जाओ देखें कौन सा नंबर है, 12। हाँ बोलो, x इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू 7, हाँ 14, वेरी गुड यार, सब लोग अच्छे से लगा रहे हो, आ जाओ तुम, आ जाओ। हाँ नहीं लगाए हुए हैं सब, एनसीईआरटी सब ऐसे ही दे रहा हूँ मैं। लेंथी क्या है उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ वो तो वही है, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कल ही सावधानी हटी थी थोड़ी सी। तो आप ऐसा करो बेटा कि कुछ नहीं देख लो, ज़्यादा अच्छी रहेगा, ठीक है। ये मान है तुम्हारे पास x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये है x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू रो में लिखना है 1 1 1, ठीक है, फिर सेकंड रो में लिखना है 1 1 0, और थर्ड रो में लिखना है 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। फिर x प्लस वाई लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू रो वाइज लिखना है 3 5 1, 3 5 1, सेकेंड रो में लिखना है -1 1 4, और थर्ड रो में लिखना है 11 8 0 8 0, डालो। जैसे आप लोग जो लेक्चर में नहीं थे, ठीक है, उसकी वीडियो देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा गैप्स लिखा करो, लग रहा है 462, थोड़ा गैप दिया करो इसमें, है ना। डिस्कस भी करना है, अगर जहाँ ये गलती करेंगे तो हम तुम लोगों से पूछेंगे इन्होंने गलती कहाँ की, और फिर तुम लोग ना बता पाए ना तो फिर एक पीछे आएगा धतौड़ा वाला हाथ, ठीक है, फटाफट पड़ेगा। तो ये भी ध्यान देना है कि इन्होंने गलती कहाँ की है, सबसे हो सकती है, इंसान है। Thank you.
सूर्या रेडी रहो, अभी और अच्छा नाने मिले। पढ़ने में जितने खैर सभी बच्चे सही हैं, खाली इससे कोई ध्यान देता है कोई ध्यान नहीं देता, बाकी पढ़ने में जितने बच्चे आए हो ना सभी से बच्चे सही हैं। और शिवम भी गड़बड़ करता है, जानबूझ के गड़बड़ करता है, नहीं पढ़ने में वो भी गड़बड़ नहीं है, सही है, दिमाग सही है। अच्छा इसका ये सही है, वाई कितना आया तेरा 120 -10 2540, ठीक है। आ जाओ बेटा आप आ जाओ, हाँ फिर से आओ, और क्या अभी तुम्हें क्या लगा छुटकारा मिल गया एक बार आए? आएगा क्यों नहीं आएगा 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 आएगा, हाँ बिल्कुल डस्टर ले लो। अब एक क्वेश्चन देंगे बढ़िया क्वेश्चन, इसको करके बताना है तुम लोगों को। अब इसके बाद तुम्हारा है, और ध्यान सब लोग को देना है कि उन्होंने गलती कहाँ पर की है, ये बहुत ध्यान देना है। तो इफ यहां से लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, आराम से आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। इफ तो रो वाइज लिखना है आपको, 2-1 फर्स्ट रो में, 2-1 सेकेंड रो में लिखो, 1-0 थर्ड रो में लिखो, -3-4 ए मैट्रिक्स क्लोज करो इसको, इनटू ए इज इक्वल टू, अब अगले मैट्रिक्स में लिखोगे रो वाइज लिखना है, -1 -8 -1 -8 -10 सेकेंड रो में लिखो, 1 -2 -5 वन लिखो, 1 -2 -5 थर्ड रो में लिखो, 9 22 15 इसकी खासियत ये है कि आपको फाइंड करना है ए, फाइंड ए, जरा देखते हैं कॉमन सेंस कितना काम करता है, क्यों करो। लंटा क्वेश्चन है, सेंस क्वेश्चन लगाना है। पहला था कि भाई कोई ये ना कह सके कि नहीं सबको लेवल डिफिकल्ट मिला, ए निकालना है। हाँ खुद का सेंस लगा, ज्यादा सेंस ना बांटो। सूर्य बेटा सेंस लगाओ, नंबर तुम्हारे तक भी आएगा। दिक्कत हो रही तो पीछे कर दे। नहीं लगेगा, हार मान लिया? नहीं। जब हार मान लेना तो बताना, ठीक है। धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, जब हार मान लेना तो बता देना। मान लिया, चलो पहुंचो बेटा, जाने के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, बस रहने दे। बस कोई बात नहीं, तुम बुक ना बताओ। दे दे क्वेश्चन मत मिटाना। थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ काम करना है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बैठ जाओ बैठ जाओ, अब सोचो, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब ट्राई करोगे तो लग जाएगा, क्योंकि फंसे हो ना तो अब इसको कभी नहीं भूलोगे। अच्छा हेल्प कर दिया था तुमने, है ना,
तुम्हें समझ आ रही ना? नहीं आया? ये नहीं समझ बाद में सुनाएंगे। अरे बेटा, वो जो मैंने बताया था कंफर्मेबल केस कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, तो हमने बताया था कि इसका कॉलम, सॉरी हाँ, इसका कॉलम, उसका रो। अब बात यह है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कितना है, 3x3। तो ये तो इसका कॉलम कितना है, 2। तो पक्की बात, उसका रो कितना होगा, 2 होगा। और कॉलम ऐसा होगा कि वाई कॉलम वो बता रहा है कि 3 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो कॉलम 3 ले लिया हमने। तभी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी, तभी कंपेरिजन कर सकते हो और तभी मैट्रिक्स निकाल सकते हो। समझ में नहीं आया? जादू जादू चिल्ला रहा है इतनी देर से है। अब अननोन कितने, एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर मान निकाल लिया तो एक ही वैल्यू हो गई। आ गया जा। अब ये ए बी सी के मान उससे उठा के रख देंगे हम एक्स वाई जेड के, तो मैट्रिक्स निकल आएगी। ठीक है, तो एच इक्वल टू मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, लिख। वाह वाह, 3x2 की मैट्रिक्स लग रहा है कि 10x10 की है। चलो कोई बात नहीं, रख देना, सही है। सही है सर, वेरी गुड। अब तो कर सकते हो इस टाइप का। आ जाओ सूर्य बेटा, आ जाओ, लो मिसी को दे देंगे अभी, यही तुम्हारा दोस्त तुम्हें करके दिखाएगा बेटा, है ना। इसको देंगे हम एक क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन को। बेटा लिखो जरा, इनको बताओ, आई कैन डू इट। आगे वाले थोड़ा सा दीजिए, हम आगे वाले ही देंगे, मस्त देंगे। हाँ हाँ वही देंगे, 3 की पावर n-1 वाला देंगे। हम क्यों दें वैसा, कौन सा नंबर है तुम्हारा, है 3m 3m 3, 3 पावर m 3 पावर m 3 पावर m, है ना। तो यही तो क्वेश्चन है ना, लायक कहीं का देने दे। हाँ यही है, लो मार्कर कैप भी ले लो। क्वेश्चन ये है कि इफ ए इक्वल टू 3x3 की मैट्रिक्स है और सभी रो में 1 1 1 1, इसको लेना है तो इसको ले लो तुम। ठीक है, सभी रो में 1 1 1 है, 3x3 की मैट्रिक्स है, सभी एंट्रीज 1 1 1, 3x3 के है ना, ये तो 2x3 है। ठीक है, अभी ये हो गया। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, बेटा इधर भी जगह है ना, तो इधर कवर करके पूरा लिखना। ठीक है, देन प्रूव दैट
ए की पावर एन इज इक्वल टू रो वाइज ही नहीं पूरे में, यानी पूरे मैट्रिक्स में क्या लिखना है, थ्री की पावर एन माइनस वन, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स होगी और पूरे मैट्रिक्स में आपके जो एंट्रीज होंगे वो कितने होंगे, थ्री की पावर एन इक्वल टू थ्री की पावर एन माइनस वन, सभी एंट्रीज यही होंगे थ्री की पावर एन माइनस वन, सभी एंट्रीज, मतलब हमने क्या बोला थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है और जितने एंट्रीज है ना सभी एंट्रीज होंगे थ्री की पावर एन माइनस वन। लिखो पूरा, अरे लिख तो लो भाई, मैट्रिक्स तो बनाओ थ्री बाई थ्री की। वो मैं तुम हो गए कंफ्यूज। हाँ यह है क्वेश्चन है, अभी मेरे पास समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला था। आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर से सॉल्व करो, इधर से या सॉल्व। मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज मेथड भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। के प्लस वन में प्रूव करना है, के वाला ट्रू होता है तो के प्लस वन ट्रू दिखाओ, वो यूज करना है के प्लस वन में, वो यूज हो जाती है, यूज हो जाती है बेटा। थ्री पॉइंट जीरो होता है तो वैल्यू वन आएगी कि क्या आएगी, अटैक दिलाओगे क्या मुझे, कोई बात नहीं करके देखो। सीरीज कहाँ है ये, इंडक्शन ही तो लगा रहा है, n इक्वल टू वन पुट किया है उसने, अब n इक्वल टू टू पुट कर रहा है। m सीधा रख लो, तुम m रख लो यार, तुम m रख लो, कोई बात नहीं, तुम m रख लो, ये भी ट्रू होगा वो भी ट्रू होगा तो कोई मतलब नहीं, तुम रख लो यार, दान देगा जाओ रख लो, जी लो अपनी जिंदगी। कहीं लिख दिया करो n इक्वल टू वन पुट कर दिया, n इक्वल टू टू m इक्वल टू m पुट कर दिया है तो लिख भी दिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अब छोड़ दो, बाद में रख लेना, ठीक है, अब उसको कंप्लीट कर दो टारगेट। अब तुम्हें शो करना है कि a की पावर m प्लस वन के लिए ट्रू होगा, m प्लस वन के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए की पावर m इंटू ए, क्या कर रहे हो छोटे बच्चे, नहीं डायली कर दो कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा इसको, इन्होंने डायरेक्टली n इक्वल टू m प्लस वन रखा, अभी आया तो अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इनको ये उस फॉर्मेट में है, ये उस फॉर्मेट में है। अभी रुक जाओ, अभी हम बता रहे हैं, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए बैठो, मान लीजिए इसके लिए ट्रू है मेरा, इसके लिए मेरे पास ट्रू है, ठीक है ना, और मुझे शो करना है कि एक बार एम प्लस वन के लिए ट्रू होना चाहिए। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या बोलता है, एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू होगा तो अगर है तो एन इक्वल टू के लिए ट्रू होगा, समझना, और अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, अरे भैया जब वन रखोगे आप तो पुरानी मैट्रिक्स मिल जाएगी, देखो मिली नहीं क्या, ये गिवन है क्या, गिवन है तो जाहिर सी बात है n इक्वल टू जब उसमें जनरल में रखोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, पक्की बात ट्रू है कि नहीं है, ये आ जाए तो ट्रू है, तो पक्की बात है n बराबर टू रखोगे तो ट्रू होगी वो, तो ऐसा माना जा रहा है कि n बराबर k रखो वो ट्रू ले लो, उसको प्रूफ नहीं करना, वो ट्रू ले लो, और प्रूफ करना क्या है कि n इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू होगा, प्रूफ क्या करना है कि n बराबर जो k प्लस वन रखेंगे वो इस फॉर्मेट में आएगा, मतलब इसको ट्रू दिखाना है तुम्हें, हाँ मैं लाऊंगा, रुक जा बेटा रुक जा,
दिखाऊं, दिखा रहा हूं। देखो जैसे n इक्वल टू आपने k रखा तो क्या बना मेरे पास, a की पावर k। भाई अगर मैं यहाँ पे n की जगह पर रिप्लेस कर दूं k प्लस वन, क्या प्लेस कर दूं k प्लस वन, तो मन में सोचो क्या आएगा, n की जगह पे 3k, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k, आया कि नहीं आया। अगर यही हम लेकर आ जाएं इसको यूज करके तो आराम से प्रूफ हो गया। तो हमने प्रूफ इन्होंने डायरेक्टली लिख लिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड हम क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये ट्रू है तो a का प्रोडक्ट भी ट्रू ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली वाली बात है नहीं। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 पावर a माइनस 1, 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 समथिंग लिखते चले जाओ। और करना क्या है आपका कि अब इसमें हम लोग किससे, a से, a मेरा कौन है ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सिंपल मैंने a से प्रोडक्ट करा दिया। अब इधर क्या हो गया भाई आपका, हमने इसी का यूज करके प्रूफ करना है। देखो तो कैसे किया हमने m प्लस वन, ठीक है अब इधर ध्यान देना, अगर वो क्या आ जाए 3m, 3 पावर m, 3 पावर m, 3 पावर m आ जाए तो प्रूफ हो गया। आपने ये तो देखा जनरल में रखने पर ना, तो अब करके देखते हैं। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, करो मल्टीप्लाई बताओ। ना समझ में बताना मैंने क्या कर दिया। जब आप करोगे तो 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m माइनस 1 प्लस 3 पावर m माइनस 1, तो 3 पावर m माइनस 1 ले लिया मैंने कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या हुआ 3, तो 3 इंटू 3 पावर m माइनस 1 लिख दिया, कोई गलत कहेगा, नहीं समझ में क्या बात नहीं आई। अरे भैया कराओ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं जो लिखा है। अब इसका कराओ मल्टीप्लाई, जरा बताओ क्या आएगा, 3 की पावर m माइनस 1 इंटू नहीं प्लस 3 पावर m माइनस 1 कॉमन ले लो, लो कॉमन क्या बचा अंदर, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो वही समझ नहीं आया। सिमिलर सभी में होगा क्योंकि सब सेम है तो सिमिलर सभी में होगा, समझ में तब आता है जब जो हम बोले उसको बराबर सोचते भी चलो, ठीक है इतना समझ आएगा। नहीं पकड़ पाए क्या, तुम सोचे ही नहीं थे, तुम देख रहे थे, देखकर साथ में सोचना भी सीखो। अच्छा ये हो गया। एक लोगों से मैंने पूछा कि सोच मतलब कि रटना और समझना में क्या अंतर होता है, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि हमने रटा या फिर हमने समझा, देखते समझते जाए, उसे समझा। अच्छा तो रटा क्या होता है, वो भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा उसमें सोचना नहीं पड़ता, फिर क्या चलता है, अगर उसने पढ़ाया वो चीज बच्चों को याद हो गई और पूछ तुरंत बता रहा है तो क्या बताएंगे उसने रटा या समझा, कैसे पता चला, रटने में तो बता सकता है भैया रटने। अरे भैया जी अभी तुम शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं देखे, कुछ बंदे ऐसे हो तो तुम भाई दिखाओ रट जाएगा उनको, हाँ माइंड है अपना अपना, रट भी गया जल्दी से। तो रटने में और समझने में अंतर क्या है, फिर समस्या उठी और खासकर मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी समस्या है कि समझ नहीं रहे हैं कि रट रहे हैं, टीचर बोलता है रटो मत बेटा, तो बच्चों को कैसे पता चला हम रट रहे हैं। अच्छा तुम्हें टीचर को कैसे पता चल गया, उसने तो दूसरा क्वेश्चन भी नहीं दिया, उसने कहा रटो मत, कह देता ना जैसे हमने बीच में बोल दिया होगा रटो मत बेटा समझो, तो मतलब कैसे हमने पता किया कि उसने रटा है समझा नहीं है। अब ये चीज सोचना तुम तो तुम्हें पता चले, रीजन तुम सोचो ना। बात नहीं समझ, बताओ बस हो गया, सो तो हो गया। अब अगर तुम इसमें रिप्लेस करके देखो यही आएगा, तुम अगर n बराबर k प्लस 1 रिप्लेस करके देखो m प्लस 1 यही आएगा, इसका मतलब ट्रू है ये। मैंने क्या किया समझे ना, m की जगह यहां पे n लेते तो वही आ जाता, चेक करके देख लो, देखो आ रहा होगा, हाँ तो ट्रू है, दैट्स व्हाट ट्रू है। अगर कोई नंबर आ जाए कि हाँ ये नंबर 3 डिविजिबल है, समझो 3 से डिविजिबल है, तो जाहिर बात है कि अगर k प्लस 1 के लिए भी 3 से डिविजिबल हो गया तो ट्रू है। आपने ऐसे क्वेश्चन 11 में सीखे होंगे,
अरे तो n बराबर, भैया जी n बराबर पुट कर रहे हो तो n बराबर n पुट करोगे क्या, अच्छा लगेगा? तो फिर अब इक्वल लगा है तो जाहिर सी बात इक्वल का मतलब क्या है, n इक्वल m के है, वो n ही है। लेकिन भैया जी अब n बराबर n रखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसलिए नोटेशन में n की जगह पे डिफरेंट वैल्यू जैसे m और k ये ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन है आगे, प्रोडक्ट में ही क्वेश्चन आगे, ठीक है? तो तुम लोग पहले क्लास 11th की एक बार जाके मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लो यार, उसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के पूरी एक्सरसाइज है, लगभग 40-50 क्वेश्चन है और क्या। अब क्लास 11 पढ़ोगे नहीं, ट्राई की 12th में सोचो कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता है क्या सर, कहाँ कटा है, किसने बोला कटा है, कटा नहीं भैया हटा है, तो कहाँ पढ़ोगे, तो पढ़ोगे नहीं तो यहाँ तो गड़बड़ होगा ही ना, तो हटा है तो कहाँ से पढ़ोगे, वो पढ़ोगे नहीं तो आएगा कहाँ से, जाहिर सी बात है। तो अब किया जाए, एक क्वेश्चन और दिया जाए, है ना, सूर्य हो गया, अभी अलार्म नहीं बजा ना मेरा, आ जाओ, अलार्म लगे हैं बेटा, अलार्म टेंशन, अलार्म डेली लगे हैं, अलार्म जो है डेली लगे हुए हैं। और तुम लोग टाइम से कैसे छूट जाते हो, अलार्म की वजह से छूट पाते हो, नहीं तो ऐसे हम पढ़ा देंगे तो एक डेढ़ घंटा का चला जाए, तो घंटा ही पता नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हो तो नहीं लगता। हाँ बेटा, तो तुम ये क्वेश्चन लगाओगे 24 का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो, इफ 2x2 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो टाइम बीत जाएगा तो टीचर पूछेगा नहीं, इफ रो वाइज लिखना है 2x2 की मैट्रिसेस, पक्के पास समझ में आ रही नहीं है, एंड 5x7 क्लोज करो, इनटू में लिखो, सेकंड में लिखोगे 1-3, हाँ सेकंड रो में लिखो 1-3 एंड -2 4 इज इक्वल टू, पक्की बात है कि जाहिर सी बात वो भी 2x2 का ही होगा, ठीक है, -4 6 -9 x, चलो कर डालो बस, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या ये तुम तो आंसर बता दिए, भोपाल टाइप कर दिए 24 का सेकेंड, पता नहीं बेटा बहुत लंबा है, इसमें काफी क्वेश्चंस आए थे, 24 का सेकेंड सही है, टैलेंटेड हो है? हो गया, प्रोडक्ट जितने जल्दी स्पीड से कर लो, और खासकर तुम्हें जब यही निकालना है तो तुम्हें केवल यही वाला मन में कर लेना चाहिए था, कॉमन सेंस वाले, वैसे मान लो यही निकालना है इसको तो जाहिर सी बात इसको कर लेना चाहिए था, -15 और 28 गया 13 हो गया आंसर, उसने वही तो किया और कुछ नहीं किया। हाँ मैं समझ गया था तुमने क्या सेंस लगाया बेटा है, तभी तुम बोले टैलेंटेड हो, जब लड़का गलत आंसर बताए ना तो टीचर को ये भी सोचना चाहिए गलती कहाँ कर रहा है, जब लड़का सही आंसर जल्दी बता दे तो ये भी सोचना चाहिए कैसे सोचा है, क्योंकि बच्चों को फील करना बहुत जरूरी है, हमने इसका कॉपी देखा नहीं लेकिन हमने बता दिया उसने कैसे किया, समझे ना, तो सोच को पता करना वो जरूरी है तभी असली टीचर होने बेकार हो। तो भाई समझ आया, जैसे उस दिन पहले दिन ये इनवर्स की बात किया था, इन्होंने क्या किया था, उल्टा कर दिया था 1/2 पूरी एंट्रीज को उल्टा कर दिया था, मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने कैसे सोचा, अच्छा स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ज्यादा तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, तो मैंने इनसे पूछा कैसे किया, नहीं किया, लेकिन हमने डायरेक्टली बोल दिया कि तुमने किया कैसे है। तो ये चीजें होती हैं, ये बहुत खासियत वाली बात है, तो बताओ क्वेश्चन लग जाएंगे, क्वेश्चन लग जाएंगे, अब इस टाइप से एक क्वेश्चन दें सबके लिए कंपलसरी है, आप लोग डायरेक्टली कॉपी में सॉल्व करो, जल्दी बताओ, देखते हैं कि कौन पहले इसको सॉल्व करता है, ठीक है, लैम्डा वैल्यू फाइंड करनी होगी, h इक्वल टू दे रहा है 2x2 की मैट्रिक्स होगी,
रो में लिखना है 3 1, सिंगल रो में लिखना है -1 2, रो में लिखना है 3 1, सेकंड रो में लिखना है -1 2, ठीक है। आई इक्वल टू होगा ए बी 2/2 की ही होगा, तो रो में लिखना है 1 0 और सेकंड में लिखना है 0 1, ये तो फिक्स होता ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू 5a + λI, 5a + λI, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं पहले कौन बताता है, देखते हैं पहले कौन बताता है।